से तमाम पत्रकार भाइयों का स्वागत है। आज की हमारी जो पत्रकार वार्ता है वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो धड़ल्ले से खुलेआम जो अवैध वसूली की जा रही है शराब माफिया द्वारा, शराब विक्रेताओं द्वारा, उसको लेकर है। इससे पहले भी हम कई प्रदर्शन, कई पत्रकार वार्ता जो है कर चुके हैं, विभाग को दर्जनों हम जो है ज्ञापन सौंप चुके हैं, इसको लेकर दर्जनों शिकायतें आबकारी विभाग को दी जा चुकी हैं। मगर उसके बाद आप तमाम लोगों ने देखा है, आप लोगों के पास भी शिकायतें मिलती होंगी सारी, कि आज भी जम्मू कश्मीर की अधिकांश, लगभग सभी, मैं तो कहूंगा सभी शराब विक्रेताओं द्वारा जो है धड़ल्ले से जो है बिना किसी रोक टोक के अवैध वसूली, MRP से ज्यादा की वसूली का सिलसिला बदस्तूर जारी है। दर्जनों शिकायतें विभाग के पास पहुंची हैं, हम भी कई बार जो है आबकारी विभाग को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, मगर उसके बावजूद भी हाल ही के अंदर आबकारी विभाग द्वारा एक कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आबकारी विभाग कुंभकर्णी लीन से जागा और एक दिन के लिए छापामारी अभियान चालू किया और उसमें अपार सफलता भी प्राप्त की। 35 दुकानों के जो है अवैध वसूली पर चलान किए गए और लगभग 6 लाख रुपए का, जैसा कि विभाग ने जानकारी मिले हमें समाचार पत्रों के माध्यम से, 6 लाख से अधिक का जुर्माना भी वसूल किया गया। मगर इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी बड़ी हैरानी की बात है कि मात्र एक दिन तक ही इस अभियान को जो है वो सीमित कर दिया गया, जो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि विभाग पर जो है किसी ना किसी प्रकार का ऊपरी दबाव बनाया जा रहा है। इन अवैध वसूली जो शराब माफिया है, इनके तार जो है काफी ऊपर तक जुड़े हुए हैं, जिस कारण जो है आबकारी विभाग और पुलिस विभाग भी जो है पूरी तरह से असमर्थ नजर आता है इन अवैध वसूली माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। देखिए, एक तरफ जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल भी लगातार भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने की बात करते हैं, ईमानदार अधिकारियों की तैनाती की बात करते हैं, मगर इन्हीं दावों को जो है जो धज्जियां उड़ाता हुआ देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो शराब विक्रेता हैं, जो शराब दुकानदार हैं, अगर जम्मू की बात करें, शहरों की बात करें, तो हर बिक्री पर जो है 20 रुपए से लेकर 100 रुपए तक अतिरिक्त वसूली की जा रही है। अगर यही हम दूर दराज के इलाकों में चले जाएं, यहां तक के कश्मीर के अंदर चले जाएं, जो पर्यटक स्थल है वहां पर जो है दुगने रेट पर जो है शराब की बिक्री की जा रही है। आम जनता के साथ साथ यहां आने वाले पर्यटकों को भी जो है पूरी तरह से खुल्लम खुल्ला लूट मचाई जा रही है। हमारी जो है आज हम मांग की है, हमने आबकारी विभाग के आयुक्त से हमने एक ज्ञापन सौंपा है आबकारी आयुक्त को और जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव को। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द इस अवैध वसूली पर अंकुश लगाने के लिए एक संयुक्त SIT टीम का गठन किया जाए, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस विभाग के अधिकारी हो, जम्मू कश्मीर आबकारी विभाग के अधिकारी हो, और ये छापामारी प्रक्रिया को लगातार जारी रखा जाए, तब तक जारी रखा जाए जब तक आखिरी दुकान जो है इस अवैध वसूली को बंद नहीं कर देती।